प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, ठीक है। प्रत्येक बहुपद की क्या बताना है, घात बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 सवाल दिए हुए हैं जिनमें से हमें सभी बहुपदों की घात बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर कितनी घात है, 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, और यहाँ पर कितना है, कोई घात नहीं दिख रही है। तो हमें क्या लिखना है, हमें केवल इनकी घातों की संख्या लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है, घातों की संख्या लिखनी है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि बताइए घात की संख्या कितनी होगी, 3, 2, 5, 1, 6 होगी, बिल्कुल गलत है। हमें सबसे पहले ये देखना सबसे बड़ी घात कौन है, क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। हमें बड़ी घात से मतलब है, और किसी घात से कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, तो घात बराबर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो घात कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर बताइए घात कितनी है, यहाँ पर घात कितनी दी हुई है, यहाँ पर घात दी हुई है 2, यहाँ पर कितनी घात दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में घात दी हुई है कितनी, टी की पावर 1 है, 1 छिपा होता है, वो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो घात कितनी है, 1। अब यहाँ पर बताइए घात कितनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में घात क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर किसी चर पद की घात नहीं है, इसलिए घात क्या है, 0 है। क्या है, घात 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है, हम सॉल्व। प्रिय बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात हैं, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं रैखिक बहुपद क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक रैखिक बहुपद लिखा हुआ है, एक यहाँ पर द्विघात लिखा हुआ है और एक यहाँ पर त्रिघात लिखा हुआ है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल 1 घात हो, ठीक, वह रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, मतलब बहुपद में 2 घात लगी हो तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात लगी हो वो त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, ये द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि रैखिक है। ये इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे घात बराबर कितनी है, घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, घात 2 है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसमें 3 अधिकतम कितनी घात है, 3 घात है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा, लिख देंगे त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तीसरा देखते हैं कितना है अधिकतम घात, 2 घात है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घात की संख्या कितनी है, घात की संख्या 1 है, तो यह कैसा बहुपद होगा, यह रैखिक बहुपद होगा, कैसा होगा, रैखिक बहुपद, यह रैखिक बहुपद होगा। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, अब 5वां, 6वां, 7वां सॉल्व करते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितनी घात है, 1 घात है, तो इस पर लिख देंगे रैखिक बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है,
छठ में क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखिए कितनी घात है, दो घात है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। सातवां नंबर क्या लिखा है बताइए, सातवां नंबर क्या होगा, सातवें नंबर में कितनी घात लगी हुई है, तीन घात लगी हुई है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, त्रिघात बहुपद, क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पाँच भी सॉल्व हो चुका है, तो प्रश्नावली 2.1 के एक से लगाकर हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो प्रश्नावली 2.1 आज से खत्म होती है, कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों आपको जितनी भी हमने इसके सवाल बताए हैं सारे क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।